सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। रक्षाबंधन और विश्व संस्कृत दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उदय कुमार मन्ना, RJS PBH संस्थापक, आप लोगों के लिए RJS PBH लेकर आ गया है ओरिएंटेशन वर्कशॉप। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी वर्कशॉप है, क्योंकि हम सभी सोशल मीडिया पे काम करते हैं। अगर सोशल मीडिया पे बेहतर काम करने का आपको प्रशिक्षण दिया जाए, प्रबोधन कार्यशाला हो, तो निश्चित रूप से आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाएगा। और इसके लिए जानते हैं जो RJS PBH के ऑनलाइन उद्घाटन जिस शख्सियत ने किया था, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, जो तत्कालीन महानिदेशक IIMC नई दिल्ली, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, वो इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं 2 सितंबर शनिवार को सायं 4 बजे। तो आप सभी शनिवार को उपस्थित होइए सायं 4 बजे 2 सितंबर को, और इसके अलावा 3 सितंबर को भी सायं 4 बजे से 6 बजे ये कार्यशाला होगी, जो 2 दिन की कार्यशाला में जो मंथन होगा और उससे आपके व्यक्तित्व में जो विकास होगा उसकी कल्पना आप सकारात्मक सोच के साथ कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ओरिएंटेशन वर्कशॉप जो है वो एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, प्रबोधन कार्यशाला होगा, और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे जो आप काम कर रहे थे, तो और आप संदेशात्मक दृष्टि से आप उस चीज को लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, यानी जो सोच है और जो आपका व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा। तो ये 2 घंटे का समय जो है शनिवार और रविवार को आप आइए अपना समय निकालकर। और बताना चाहेंगे कि इसको और गति देने के लिए इस कार्यशाला में प्रोफेसर संजीव भानावत जी आ रहे हैं, जो कि फॉर्मर हेड सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, और इसके साथ साथ वो संपादक हैं कम्युनिकेशन टुडे के, जो एक जनरल है। और श्री निखिलेश मिश्रा जी, जो कि ट्रेनिंग एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर IT ऑफिसर हैं JNNURM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ दूरदर्शन दिल्ली के कॉरेस्पॉन्डेंट धीरज कुमार जी, और आकाशवाणी के समाचार वाचक नीतीश कुमार जी, निशित कुमार जी के साथ साथ लेखक और सीनियर जर्नलिस्ट SS डोगरा जी हैं, और RJS PBH के प्रवक्ता कवि अशोक कुमार मलिक जी भी आप लोगों से रूबरू रहेंगे। इसके साथ साथ RJS ऑब्जर्वर, RJS एडवाइजर और RJS PBH ऑब्जर्वर सभी इस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए आप लोगों के बीच होंगे। और इस कार्यक्रम के सह आयोजक जो हैं वो सौमेन कोले हैं, जो कि सचिव तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र कोलकाता। तो इन सब लोगों के साथ हम सभी RJSians भाई बहन रूबरू होंगे, और एक माहौल बनेगा कि हम लोग भारत को सकारात्मक बनाने के लिए ओरिएंटेशन वर्कशॉप को सफल कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए और सोशल मीडिया वर्कशॉप को सफल करने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।